गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल BRD इंग्लिश प्लस। इस चैनल पे लास्ट कल जो वीडियो अपलोड हुई थी वो एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट वन था, और आज उसी की कड़ी में अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट टू आपके सामने आ गया है। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी से लाइक शेयर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी वो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीरो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट टू। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच सिटी इज फिल इन द ब्लैंक्स हॉटर। तो ये एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में अपन ये फॉर्मेट देखते हैं। हम सभी को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, राइट? लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता है। बट एक कंडीशन है, अगर आपका सेंटेंस कभी भी स्टार्ट हो रहा है ऑफ से, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनेगा आपको समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले जनरली डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। द हॉटर क्या कंडीशन है, जब भी सेंटेंस में ऑफ आएगा, ऑफ राम एंड श्याम, ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, ऑफ अकबर एंड बीरबल, विच इज़ द वाइसर, ठीक है? तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, जब भी कंपेरेटिव डिग्री होती है, जैसे हॉटर होता है तो हॉटर के बाद देन आता है कूलर, टॉलर, देन। तो जब कंपेरेटिव डिग्री के साथ में ऑफ आता है, ये पीछे भी लिखा हुआ आ सकता है, विच सिटी इज द हॉटर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। तो हॉटर के बाद में ऑफ आ रहा है, या ऑफ जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है, तब कंपेरेटिव डिग्री आएगी, उसके साथ में द यूज़ करना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आर आंसर विल बी द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में से पहले द यूज़ किया जाता है, कंपेरेटिव से पहले नहीं करते हैं। लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री के साथ में, ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ में अगर ऑफ देखने को मिलेगा, ऑफ द टू गर्ल्स ऐसा भी बोल सकते हैं, या दोनों लड़कियों में से नहीं तो ऑफ सीता एंड गीता। तो ऐसा जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें द का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। इट इज़ आई हु हैज़ रिटन दिस लेटर। ये जो आपका बोल्ड जो पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर यहाँ पर किसी भी टाइप का इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पॉसिबल है, तो आपको एक ये रूल पता होना चाहिए। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ या इट वॉज़, ये जो फ्रेज आती है, अगर इसके बाद में कोई अपन को नाउन या प्रोनाउन फिल करना है तो नाउन में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रोनाउन जो होता है उसकी सब्जेक्टिव केस आती है, ठीक है? पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सही है, इट इज़ फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? तो ये सही है। इस हु विच दैट हुज हुम, इनको अपन बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस में पढ़ेंगे अपन, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सन के लिए हु का यूज़ किया जाता है। और अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी को रिलेट कर रहा होगा, तो इससे पहले जो नाउन और प्रोनाउन है, ये नाउन और प्रोनाउन जो है आई, इसको बोलते हैं एंटेसिडेंट, ठीक है? तो दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूं कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उससे पहले या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। इसी नाउन और प्रोनाउन को क्या बोल रहे हैं, एंटेसिडेंट बोल रहे हैं। कहने का मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब देखते हैं यहाँ, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटेसिडेंट आई हुआ, और आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। ये मैंने बता दिया कि इट इज़ और इट वॉज के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगी प्रोनाउन की। तो देखो दो ऑप्शन में हमारे पास में सब्जेक्टिव केस है, एक में ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको अपन हटा देते हैं। यहाँ पे क्या गलती है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ब है ये एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु हैव, तो इट इज़ आई हु हैव, ये ऑप्शन हो जाएगा। इट वॉज आई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हैड होना चाहिए उसके लिए,
राइट right. और दूसरी बात है यहाँ पे दिस है, तो दिस प्रेजेंट को डिनोट करता है, और दैट दैट किसको डिनोट करता है, पास्ट को. आई होप आप समझ पाए होंगे इसको. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर से बता देता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा. अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो हु विच दैट हुज होम. इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ब आएगी, ये वर्ब बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आएगी जैसा ये नाउन या प्रोनाउन होगा. अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो अगेन अनकाउंटेबल के साथ अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आर नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, कल मैंने जो आपको बताए थे वन वर्ड्स, वो वन वर्ड्स प्लस स्पेलिंग पे बेस्ड थे, उनकी स्पेलिंग्स पूछी जाती है. वो चारों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को एक सेपरेट नोटबुक में रखें, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. तो चलिए यहाँ एक ट्रिक भी है. देखिए, अ प्लेस वेयर बीज लिव, बोल रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज जो है या मधुमक्खियाँ जो है वो रहती है. तो दोस्तों इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं. अब कुछ बच्चे जो हैं वो बोल रहे होंगे सर इट शुड बी एपियरी. ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ए ऑप्शन जो है एपियरी गलत हो जाएगा. अगर आप इसको समझोगे कि अ प्लेस वेयर बीज लिव मतलब जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है, तो रहती तो कहाँ है भाई, हाइव में रहती है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो आपने मधुमक्खी पालन को तो बोलते हैं एपिकल्चर. ठीक है, और जो साँचा होता है, जो फ्रेम होती है जिसके अंदर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी. ठीक है, तो आपको फ़र्क समझना, अ प्लेस वेयर बीज लिव बिल्कुल पक्षियों के जैसा है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव तो तब तो क्या हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा. और वेयर बीज आर कैप्ट, जैसे आप जू में देखते हैं एक सेक्शन होता है जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, उसको एवियरी बोलते हैं. ठीक है, तो आपको समझना है बी ऑप्शन राइट नहीं है. बी ऑप्शन में आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, सेम पैटर्न पे बर्ड्स पे, कि बर्ड्स जहाँ रहती है वो तो क्या हुआ, नेस्ट, और बर्ड्स को जहाँ रखा जाता है वो क्या हुआ, एवियरी. सेम उसी टाइप से है, बीज को जहाँ रखा जाता है वेयर बीज आर कैप्ट, तो ये तो हो जाएगा एपियरी, और वेयर बीज लिव ये हो जाएगा आपका हाइव. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वन हु इज ऑलवेज रेडी टू सर्व वंस नेशन. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो हम उसका हिज नहीं बनाएंगे, उसका पजेसिव जो एडजेक्टिव या नाउन बनेगा वो वंस बनेगा. ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रेडी रहता है अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, बहुत क्लोज ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन है. मार्टेयर में आपको बता देता हूँ, मार्टेयर का मतलब होता है शहीद, जिसने अपने ड्यूटी में जान गंवा दी है. ठीक है, पैट्रियॉट, पैट्रियॉट का मतलब होता है देशभक्त, तो देशभक्त अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है. ठीक है, तो आर राइट आंसर विल बी पैट्रियॉट. दूसरे ऑप्शंस बता देता हूँ, कॉम्पैट्रियॉट का मतलब है सेम ही कंट्री के निवासी. ठीक है, पैट्रियॉट का मतलब देशभक्त है, और कॉम्पैट्रियॉट का मतलब है सेम कंट्री सेम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को कॉम्पैट्रियॉट बोला जाता है. मरमिट, मरमिट जल परी को बोला जाता है. ये काल्पनिक चीज़ है, अभी तक देखा नहीं है, ऐसा बोलते हैं समुद्र में एक लड़की सी है, आधी मछली आधी लड़की है, दैट इज मरमेड. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. अब देखिए दोस्तों, कल पैसिव वॉइस में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, तो आपको जो सब देखो छोटा सा रूल है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या होने वाला है, कैसे अपन एक्टिव वॉइस में को पैसिव में चेंज करते हैं. तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस में जो पैटर्न देखने को मिलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो आपके पास में ऐसा होगा कुछ सब्जेक्ट, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और ऑब्जेक्ट. तो पैसिव में अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. शी लाइक्स ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया. All of them ये बनाया सब्जेक्ट,
ऑल ऑफ दे ये नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। रीज़न बता देता हूँ, किसी भी प्रिपोजिशन या वर्ब के बाद में, किसी भी प्रिपोजिशन या वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आती है, वो जो प्रोनाउन है वो उस प्रिपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं टेंसेस की हेल्प लेते हैं, तीनों में ही ऑल ऑफ देम है, ऑल ऑफ देम है, ऑल ऑफ देम है। अब नेक्स्ट लेंगे टेंसेस की हेल्प, अपन देखते हैं ये प्रेजेंट सिंपल में कंस्ट्रक्ट है। प्रेजेंट सिंपल में जब भी कंस्ट्रक्ट होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो तीनों में ये देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसमें पास्ट कंटिन्यूस है, इन दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूस है और एक में बाय के साथ में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे, इसके साथ में। इसके साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट वी या दे होता या एवरीवन समवन समबडी होता तो इस टाइप से हम बाय के साथ में नहीं लिखते। तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बिलोंग्स टू वॉइसेस, हम वही ट्रिक काम में लेंगे, पर यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों मैंने इंक्लूड किया है कि नॉर्मल सा अगर वर्ब होती तो चलता, लेकिन इस वर्ब के साथ में एक प्रिपोजिशन हम लोग बोल सकते हैं, इनबिल्ट प्रिपोजिशन है। इनबिल्ट कैसे, नॉक्ड के साथ जैसे एट आता ही आता है, तो इसका क्या करना है, इसी रीज़न से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। राइट, तो ऑब्जेक्ट क्या, हमारा ऑब्जेक्ट एट द डोर नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है। आपको समझना है ये वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये नॉक नहीं है सिर्फ, नॉक एट, ठीक है। तो द डोर ये हमारे तीनों ही ऑप्शन में द डोर है, ये कैंसिल हो जाएगा। द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड। अब देखो जब भी प्रेजेंट, मैंने अभी बताया था प्रेजेंट सिंपल आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और कंटिन्यूस आता है तो कंटिन्यूस प्लस बीइंग। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है लेकिन बीइंग नहीं है, इस सेंटेंस में इज़ है और बीइंग है, तो ये हो सकता है सही है, और सही है, और क्योंकि पिछले वाले में क्या है, सॉरी नेक्स्ट वाले में क्या है, वॉज नॉक्ड है, तो वॉज नॉक्ड नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होता समबडी नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड होता तो वो पास्ट सिंपल होता, तो पास्ट सिंपल होता तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता, उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं अगर आपको थोड़ा समझ में आया तो इस वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, इट इज़ क्वाइट ईजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और मैं डे बाई डे यही प्रयास करूँगा कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो देखते हैं, वी सडनली केम अक्रॉस वन ऑफ आर स्कूल फ्रेंड्स। अब देखिए जो चीज़ अपन ने कल सीखी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि वन ऑफ जब भी आएगा इट इज़ फॉलोड बाई प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया, कैसे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, और ये हमारा नाउन हो गया जो कि प्लूरल है, ये सही है। फिर अपन देखते हैं एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, येस्टरडे जब भी आता है वो पास्ट सिंपल का होता है, तो ये कम केम, ये भी सही है। तो जब वर्ब देखते हैं अपन तो एक वर्ब है केम अक्रॉस, मैंने बता दिया है येस्टरडे आया है, इसकी वजह से ये कम अक्रॉस नहीं आया, ये क्या हुआ है केम अक्रॉस, पास्ट सिंपल का है। तो कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है भाई, कम अक्रॉस का मतलब ही क्या होता है, अचानक से किसी से मिलना, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ और अचानक से मेरा दोस्त मिल गया, प्लान्ड नहीं था ये, तो आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड। ठीक है, तो केम अक्रॉस का मतलब अचानक से मिलना है, सडन, टू मीट सडनली। तो यहाँ पर जो सडनली है दैट इज़ अननेसेसरी, ये जो मीनिंग है ये कौन कन्वे कर रहा है, ये जो फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस और जिसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ ली रखी है केम अक्रॉस, यही टू मेट सडनली का मीनिंग दे रहा है। आई होप सब आपको सभी को समझ में आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एरर लाइज इन ए पार्ट, क्या एरर है, तो कम अक्रॉस केम अक्रॉस के साथ में सडनली नहीं आएगा, यही आपका इम्प्रूवमेंट है कि आप सेंटेंस में से ये हटा सकते हो। बाकी आपने देखा टेंस बिल्कुल सही है, एडवर्ब के हिसाब से है, वन ऑफ आया है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि नाउन प्लूरल है या नहीं है, क्योंकि इस बेस पे एरर आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एरर जो है हमारा एक प्रोवर्ब है, पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड, आप सभी ने सुना होगा, कलम की ताकत जो है तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है, तो पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड। आप देखते हो
ये जब भी देन आता है ये कब आता है भाई, एक सेकेंड, ये जब भी देन आता है ये कब आता है, जब कंपैरेटिव डिग्री है, किसकी, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक वर्ड कल वाली पीडीएफ में आपके पास में आया था ऑप्शन में, अगर आपको याद हो तो, माइटी। माइटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ताकतवर, ठीक है, शक्तिशाली। तो माइटी की जो कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाएगी दैट इज़ माइटियर, वाई हटा के आई ई आर लगाया जाएगा और माइटीएस्ट लगाया जाएगा, MIGHTIEST माइटीएस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ जो एरर है दैट इज़ रॉन्ग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ माइटी, ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से लिखें, आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, जैसे हैप्पी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, जैसे हैप्पी अगर आप बात करोगे, हैप्पी भी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी भी एक एडजेक्टिव है, अगर मैं इस हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मैं वाई हटा के आई ई आर लगाऊंगा, और सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो वाई हटा के आई एस टी लिखूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बोल सकते हो, आप इसको नाउन से रिलेटेड बोल सकते हो, पर मैं यही बोलूँगा ये नाउन से रिलेटेड है, और जब आपको नाउन समझ में आएगा तो आप बहुत अच्छा प्ले कर पाओगे, बहुत अच्छा अच्छा आंसर कर पाओगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अपन नाउन की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ऑल द एविडेंसेस वॉज अगेंस्ट हिम, अब अगर कोई दोस्त आप में से ये देख रहा है ऑल द एविडेंसेस प्लूरल है और यहाँ वर आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा गलत, मैं आपको बता देता हूँ। ये नाउन देखना, कल जैसे मैंने आपको दो तीन कुछ नाउन बताए थे, आपको पता होगा वर्क बताया था मैंने आपको, एडवाइस बताया था, ब्रेड, फर्नीचर, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, उसी टाइप से एविडेंस है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है। ऑल दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो एक तो क्या होना चाहिए, ऑल द एविडेंसेस गलत है, ये क्या होना चाहिए, ऑल द एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एविडेंसेस क्या होता है, एविडेंसेस कुछ नहीं होता, ये बस मैंने लिखा है, या फिर आप बोलते हो हम देखते हैं सर ऐसा, तो फर्नीचर्स लिखा हुआ आता है, तो वो आपने ज़रूर एग्ज़ाम में ही देखा होगा और एरर पार्ट में ही देखा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ नाउन यहाँ पे बोले हैं, लिखे नहीं हैं, नहीं लिख पा रहा हूँ, आप उनको ध्यान रखिएगा कि फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है, इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता है, इट इज़ ओनली इक्विपमेंट, मशीनरीज कुछ नहीं होता है, इट इज़ ओनली मशीनरी, ठीक है। उसी टाइप से एविडेंसेस कुछ नहीं होता है, देर इज़ जस्ट ऑल द एविडेंस, सभी सबूत के लिए ऑल द एविडेंस बोल दिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑल है, इस ये जो ऑल डिटर्मिनर है, ऑल के साथ कैसे कैसे नाउन आ सकते हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल के साथ या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा अगर ये काउंटेबल है तो, या फिर क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ यही देखने को मिल रहा है ऑल द एविडेंसेस, और इसी वजह से भ्रम हो रहा है कि ऑल के साथ तो ऑल द बॉयज आता है हमेशा, ऑल द बॉय आता है क्या, नहीं, तो जब काउंटेबल है तब तो वो क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। सेम यही फंडा है किसके साथ, सम के साथ, सम के साथ में भी अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट मैंने आपको एक ऐसी ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, कल मैंने बता दिया फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ तो इनडेफिनिट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ते हैं, ये इन्होंने आज क्या पूछा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। तो नीड एक वर्ब है, नीड वर्ब घरेलू सी वर्ब है, इसका मतलब होता है आटा गूंथना, नीड, इसकी सेम यही प्रोनंसिएशन है, ये सेम यही प्रोनंसिएशन है, लेकिन इसका मतलब होता है आटा गूंथना, ठीक है। रोटी बनाने से पहले आटे को जो गूंथा जाता है उसको बोला जाता है। तो नीड की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछा है, ये बिल्कुल इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसके लिए इसको जल्दी थोड़ा करने का प्रयास करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज अपन ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बताई, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब आप क्या समझे,
कम अक्रॉस का मतलब आप क्या समझे? टू मीट सडनली, तो उसी टाइप से दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। यहाँ अगेन क्या आ गया, देखो पिछली बार यस्टरडे आया था, इस बार लास्ट नाइट आया। लास्ट नाइट की वजह से अगेन वी हैव यूज्ड ब्रेक, नहीं यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड ब्रोक। तो ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रेक इनटू, है ना, ब्रोक इनटू, ब्रोकन इनटू उसकी फॉर्म हो गई। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारी करना, चोर या बर्गलर जो है किसी भी शॉप में, गोडाउन में, घर में क्या करते हैं, सेंध मारी करते हैं, दैट इज़ ब्रेक इनटू। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और हम लोगों ने उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ में ली है, ब्रोक इनटू। सेकेंड फॉर्म क्यों यूज़ ली है, दिख भी रहा है, और ये नहीं भी होता तो ये तो अपन से पूछा नहीं, ये तो प्रपोजिशन पूछा है। तो अगेन आज अपन ने दो फ्रेजल वर्ब करिए, कम अक्रॉस, केम अक्रॉस और कम अक्रॉस, और ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू एंड ब्रोकन इनटू। राइट, वी विल डिस्कस, ये आप पता होगा तभी कर पाओगे, और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कुछ 5-6 वर्ब जो है मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, डिस्कस के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एंटर है, इन्वेड है, अटैक है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट मैंने आपको कल बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए दोस्तों, इनकरेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सी है, तो सारी ही आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स बिल्कुल सही स्पेलिंग है, BUREA, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। कानोसॉर, इसको बोला जाता पार्क ही, एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक और टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एक्सप्लेनेशन इज आर रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमारी गलत स्पेलिंग है। देखो दो चीज़ होती है, एक्सप्लेनेशन एक नाउन है, ध्यान से सुनो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन, जिसके पीछे भी TION आता है, ये सब नाउन है, ठीक है। तो नाउन की स्पेलिंग जो होगी वो तो ये स्पेलिंग होगी, EXPLA, ये आई नहीं आएगा। लेकिन एक वर्ब होती है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं सेकंड फॉर्म लगाऊं तो मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लेन्ड, तब किसका यूज़ किया जाएगा, आई का यूज़ किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं, एक्सप्लेन एक वर्ब है जिसमें आई का यूज़ किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन इज़ अ नाउन जहाँ आई ऑमिट हो जाएगा, ऑमिट हो जाएगा मतलब गायब हो जाएगा, आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेलिंग से रिलेटेड ही है, प्रिविलेज वर्ड। प्रिविलेज वर्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेष, किसी के पास स्पेशल राइट्स होते हैं, विशेष अधिकार को ये ऐड करके इसको विशेषाधिकार बोला गया है, स्पेशल राइट्स प्रिविलेज का मतलब होता है। और डायरेक्टली आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, इट इज़ PRILIGEV, सॉरी प्रिविलेज, एक मिनट दोस्तों, PRIVILEGE, इट इज आर ऑप्शन ए, प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज विशेषाधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज़ करनी है, तो क्वेश्चन है आपके पास में आई सेड टू है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क में। तो ये देख, तो आस्ड है, लेकिन आस्क के साथ में टू नहीं आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आस्ड आस्ड आस्ड, तो इन तीनों में पॉसिबिलिटी है इनमें से कोई सही होगा। फिर चलते हैं अपन, सिंस इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर, तो ये दैट नहीं आएगा, इसमें इफ है और इसमें इफ है। अब टेंस देखते हैं हम, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, तो ये भी पास्ट सिंपल है, और इसको भी अपन पास्ट सिंपल बोल सकते हैं कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। लेकिन दोस्तों अब अल्टीमेट कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ है फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तो उसको एफर्मेटिव तरीके से लिखा जाता है, एफर्मेटिव तरीके से लिखा जाता मतलब पहले आता है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अब आप बात करें
प्रेजेंट सिंपल से चेंज होगा पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये क्लोज ऑप्शन आपको इस फर्क को समझाने के लिए ही दिए हैं मैंने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओल्ड मैन सैड, अब ओल्ड मैन ने कहा, सैड टू नहीं है, सैड टू होता तो चेंज होता है, सैड सैड ही रहेगा, तो सैड सैड ही रहेगा, तो ये टोल्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया, बाकी तीनों में ही सैड 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 है। और दोस्तों ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने जैसे बोला डब्ल्यू एच वर्ड से आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड है लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, अगेन इट इज़ अ प्रोवर्ब। और आपको प्रोवर्ब से रिलेटेड रूल याद होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास में जब भी हमारे पास प्रोवर्ब आएगी तो उसमें किसी टाइप का टेंस चेंज नहीं करना है। तो सैड सैड के बाद में दैट है, इसमें इसमें वेयर आ गया, इसमें दैट नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब दोनों में ही दैट है, ए बी और सी ऑप्शन बचते हैं जिसको अपन एंटरटेन कर सकते हैं। तो वेयर देर इज लाइफ, ठीक है, मैंने आपको बोला टेंस चेंज नहीं होगा, तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सैड सैड ही रहता है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरे में अपन बात कर सी ऑप्शन की बात करें तो सैड सैड ही रहा, लेकिन दैट आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब सैड दैट इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कि उन्होंने क्या कर दिया है, टेंस चेंज कर दिया है, और मैंने आपको क्या बोला कि ये प्रोवर्ब है, वेयर देर इज लाइफ देर इज होप, जहाँ जीवन है वहाँ आस है, ठीक है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम, अब सिनोनिम का मतलब है, मतलब आपको सेम मीनिंग जैसा ऐसा कोई वर्ड देखना है तो आपको पता होना चाहिए मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मतलब होता है, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, मिटिगेट का मतलब है जैसे दुख, किसी के दुखों को कम करना, इट विल मिटिगेट योर सोरोज, ठीक है, तो कम करने को डिक्रीज भी बोलते हैं सिनोनिम, ये सही है। एक कर्टेल, कर्टेल भी एक वर्ब है, इसका मतलब भी क्या होता है, टू डिक्रीज, कुछ किसी चीज़ को कम करना, तो ये दोनों ही हैं। और ये लेसन, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज, तो डेफिनेटली ये अगर दोनों कन्फर्म हो गए हैं तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। अब देखो मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, लेसन, कोई नहीं समझ रहा होगा, दो टाइप के लेसन है, LESSON, लेसन वन लेसन टू पार्ट, LESSON। ये वर्ड जो है ये बना हुआ किससे है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेस लेस और लेस को भी और कम करना, दैट इज लेसन, ठीक है, तो ऑल ऑफ थ्री विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिटिगेट, तीनों ही सिनोनिम होंगे मिटिगेट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम चूज करना है दोस्तों, कल मैंने दोनों ही क्वेश्चन सिनोनिम के दिए थे, ये एंटोनिम है, ओपोजिट आपको चूज करना है मीक का, मीक का मतलब होता है पोलाइट, सॉरी मीक का मतलब होता है जो कहना मानता है, विनम्र होता है, हम्बल होता है, पोलाइट है, हम्बल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल दीज आर सिनोनिम, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, विनम्र होता है, तो विनम्र देखो, ओबीडियंट भी विनम्र जैसा ही हुआ, कहना मानने वाला, हम्बल मैंने आपको बता ही दिया है, सबमिसिव का मतलब भी मीक ही होता है, तो ये तीनों जो है ए बी एंड सी ऑल दीज आर सिनोनिम, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अपन को एंटोनिम, तो मीक का एंटोनिम जो हो जाएगा दैट इज स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी या हटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आ गए हैं हम अपने अंतिम दो प्रश्नों पे, दोनों ईडियम हैं और अच्छी ईडियम है, एक ईडियम मैंने आपको कल के या प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आपको ओरली बता दी थी, ठीक है, तो पहले चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। ईडियम है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन का क्या मतलब है, हर बादल के पीछे सूर्य होता है, मतलब बादल हटेगा और सूर्य आएगा, इस कहने का मतलब होता है दुख हटेंगे और सुख आएंगे, तो इट विल बी सी ऑप्शन, सॉरो इज फॉलोड बाय हैप्पीनेस, राइट। ऑप्टिमिस्ट तरीके से इसको देखा जाता है कि अगर प्रॉब्लम आए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हर रात के बाद दिन होता है, ऐसा भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, ये मैंने आपको कल एक कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपको ईडियम दी थी, मैं भूल गया हूँ, हाँ आपके पास में ईडियम थी, एट सिक्सेस एंड एट एंड सेवन्स, है ना, इसका मतलब भी कन्फ्यूज या परप्लेक्स था, और मैंने आपको ओरली बोल के बताया था एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब भी यही है। तो दोस्तों मैंने बैक टू बैक इस दो प्रैक्टिस सेट में
एक जैसी ईडियम दे दी या एक नॉलेज तो आपको दे ही दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दीज ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर फ्रिक्वेंटली सीन इन द वेरियस एग्जामिनेशन, तो आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाओ नहीं हो, इसीलिए मैंने बैक टू बैक इनको बताया। और एक इसी का मतलब, एट वन स्विट्स एंड भी कन्फ्यूज है, एट सिक्सेस एंड सेवन भी कन्फ्यूज है, और अगर आपको पता हो तो एक और चीज़ बताई थी, एट सी का मतलब भी कन्फ्यूज है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक है हमारा वीडियो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।